हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए है। और यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? 6 नवंबर 2022 को होने वाली है। और इसमें आपको जो पेपर आएगा, उस पेपर में दो भाग होंगे, भाग एक और भाग दो। भाग एक में मानसिक योग्यता परीक्षा होगी और भाग दो में शैक्षिक योग्यता परीक्षा। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित के प्रश्न आएंगे, जिसमें आज हम आपको विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं, जो सत्र 2020, 19 और 18 में पूछे गए हैं। इसी से आपको ये पुस्तक है, जिस पुस्तक से हमने प्रश्न बनाया, ये पुस्तक मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और इसी पुस्तक के माध्यम से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं हम प्रश्न कौन सा 130 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके पहले हमने एक से 29 प्रश्न तक भाग एक, विज्ञान के भाग एक में बता दिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन के प्रकाश की अवधि होती। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन के प्रकाश की अवधि होती। कैसे होती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, घट जाती। प्रकाश की अवधि कैसे हो जाती? घट जाती। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। काय पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, प्रिज्म की सामग्री पर। किस पर निर्भर करती है? प्रिज्म की सामग्री पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या कह रहा है? किसी एक वर्णीय प्रकाश के किरण पुंज के किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता? प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट करके आपको बता रहे हैं। किसी एक वर्णीय प्रकाश के एक किरण पुंज के किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवृत्ति। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। यदि एक कांच की सतह जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, पर वायु में 600 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य का कोई एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता हो तो अपवर्तित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 400। क्या होगा? अपवर्ती प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होगा? 400 मिलीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच में प्रकाश का वेग होगा? चलिए बताइए इसका आंसर। चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर ए नंबर, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या कह रहा है? यदि 1 मीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को समान फोकस दूरी वाले एक अन्य अवतल लेंस के साथ संयोजित करके एक लेंस बनाया जाता जाए तो उस प्रकार निर्मित नए लेंस की फोकस दूरी होगी? प्रश्न देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 1 मीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को समान फोकस दूरी वाले एक अन्य अवतल लेंस के साथ संयोजित करके एक लेंस बनाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नए लेंस की फोकस दूरी होगी? क्या होगी इसके? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। एक सिक्का पानी में डुबाया जाता है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। यदि सिक्के की पानी में वास्तविक गहराई 28 सेंटीमीटर हो तो यह सिक्का पानी में आभासी रूप से निम्नलिखित गहराई पर प्रतीत होगा? इसके चार ऑप्शन है, नीचे देखते हैं कौन कौन से। 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा सही आंसर? बी नंबर का आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 देखिए। किसी प्रतिबिंब का पूर्णतः अंधेरे भाग को कहते हैं, प्रतिबिंब का पूर्णतः अंधेरे भाग को कहते हैं क्या कहते हैं? ए नंबर, प्रच्छाया। क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या कहा है? आई तीव्रता का एक समानांतर किरण पुंज दो पतले समानांतर साधारण कांच के चद्दरों से होकर लंबवत गुजरता हो तो इस संचरण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता में निम्नलिखित के सन्निकट होगी? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आई की घात 0।
क्या जाएगा, आई की घात 0 है, इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, मानव नेत्र के निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इसका कारण है। मानव नेत्र निकट और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इसका कारण है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, नेत्र लेंस से संयोजित मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित कर सकती हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। यदि लाल रंग के कपड़े के एक कपड़े को पीले प्रकाश में देखा जाए तो हमारी आँख को वह किस रंग का प्रतीत होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यदि लाल रंग के एक कपड़े को पीले प्रकाश में देखा जाए तो हमारी आँख को वह किस रंग का प्रतीत होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नारंगी रंग। कौन सा रंग का प्रतीत होगा, नारंगी रंग का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, यदि रंगहीन द्रव युक्त किसी बीकर में कांच की एक छड़ डाली जाए तो यह छड़ दृष्टि से ओझल हो जाती है, इसका कारण है। प्रश्न को एक बार रिपीट करके फिर से बता रहे हैं, यदि रंगहीन द्रव में युक्त किसी बीकर में कांच की एक छड़ डाली जाए तो यह छड़ दृष्टि से ओझल हो जाती है, इसका कारण है। बताइए इसका कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीकर में रखे द्रव और कांच दोनों का अपवर्तनांक एक समान है, इस कारण वो क्या हो जाती है, ओझल हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रकाश की एक किरण टी मोटाई किरण टी मोटाई और एन अपवर्तनांक वाले कांच की एक प्लेट से होकर गुजरती है, यदि निर्वात में प्रकाश की किरण सी वेग से संचरित होती हो तो कांच की प्लेट की इस मोटाई से होकर प्रकाश की इस किरण के गुजरने में लगने वाला समय होगा। बताइए इसमें लगने वाला समय क्या होगा, बताइए। चलिए तो इसमें लगने वाला समय होगा एन गुणित टी बटे सी, यानी सी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। यदि कांच के एक आयताकार गुटके को जिसका अपवर्तनांक 1.7 है एक कागज पर चिन्हित क्रॉस के निशान के ऊपर रखें जाने से वह क्रॉस का निशान 1.2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो कांच के इस आयताकार टुकड़े की मोटाई होगी, तो इस आयताकार टुकड़े की मोटाई क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.914 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। यदि एक व्यक्ति परस्पर 60° के कोण पर झुका कर रखे गए दो समतल दर्पणों के बीच खड़ा हो तो वह अपने कितने प्रतिबिंब देख सकेगा। प्रश्न एक बार रिपीट करके बता रहे हैं हम, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति परस्पर 60° के कोण पर झुका कर रखे गए दो समतल दर्पणों के बीच खड़ा हो तो वह अपने कितने प्रतिबिंब देख सकता है। सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कितने प्रतिबिंब देख सकता है, 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक गोताखोर सूर्य अस्त होने के समय किसी तालाब के भीतर हो तो वह क्षितिज से किस कोण पर सूर्य को डूबते हुए देखेगा। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 49° के कोण पर झुका हुआ देखेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता यदि प्रकाश की किरण प्रवेश करती हो तो, क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता यदि प्रकाश की किरण प्रवेश करती हो तो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हवा से कांच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, यदि एक समतल दर्पण को किसी कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण उससे दुगने कोण से घूम जाती है तथा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिबिंब का आकार, तो इसका सही आंसर डी नंबर, अपरिवर्तित रहता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब का स्वरूप होता है। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब का स्वरूप होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आभासी उल्टा आवर्धित। कैसा होता है, आभासी उल्टा आवर्धित होता है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि अपवर्तन कोण कांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा।
क्या कह रहा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 180 अंश का। कितने का होगा, 180 अंश का होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 देखिए। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 और निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो प्रकाश द्वारा कांच में 300 मीटर की दूरी तय करने में व्यतीत समय होगा। क्या चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, 1.5×10^6 सेकेंड। इसका आंसर कौन सा, डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। क्या कह रहा है, यदि वायु से होकर गमन कर रही दो ध्वनियां तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 4:5 हो तो उनकी आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो उनकी आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5:4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। किसी खुली पाइप में मूल सौरक की आवृत्ति और समान लंबाई के किसी बंद नली में मूल सौरक की आवृत्ति का अनुपात होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 2:3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। दो युग्मित कंपमान निकायों को अनुनाद में स्थित कहा जाता है यदि यदि तो उसका सही आंसर हो जाएगा उनकी आवृत्तियां समान हो, यदि उनकी आवृत्तियां क्या हो, समान हो। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर का। यदि कोई रेलगाड़ी अभी काफ़ी दूर हो तो उसके चलने की आवाज़ निम्नलिखित में से किस माध्यम से सुनी जा सकती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इस्पात की पटरियों से। किससे सुना जा सकता है, इस्पात की पटरियों से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55। यदि किसी ध्वनि तरंग के दो उत्तरोत्तर संघों या उत्तरोत्तर गतों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो तरंग का वेग 320 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उस तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 320 Hz हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। ऑडिटोरियम की दीवार में कार्डबोर्ड के फलक और संदर्भ साज सामान क्यों लगाए जाते हैं। इसका बी नंबर का आंसर सही है, ताकि प्रतिध्वनि का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। सस्वर ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो उत्पन्न की जाती है। क्या कह रहा है, सुस्वर ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त ए और बी में से कोई नहीं, यानी कि नियमित अंतरालों पर और जल्दी जल्दी इन दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर डी नंबर का आंसर सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 58 देखिए, नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण ध्वनि तरंग वेग को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, V = γ/N। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 59। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, काय पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, उसके आयाम पर। प्रश्न नंबर 60 देखिए, प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है, एक व्यक्ति की श्रव्यता परास 20 से 18,000 हर्ट्ज तक है। यदि हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो अधिक से अधिक किस तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि से तरंग को वह भलीभांति सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 18,000/330 मीटर ध्वनि तरंग को वह भलीभांति सुन सकता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे हमने प्रश्न क्रमांक कहाँ से स्टार्ट किए थे, प्रश्न क्रमांक देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे, प्रश्न 30 से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक, प्रश्न 30 से प्रश्न 60 तक। यहाँ प्रश्न बताए, ये विज्ञान का भाग दो है। भाग एक में एक प्रश्न एक से प्रश्न 29 तक आपको बताया गया था, ये भाग दो है। और ये आपके प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी प्रश्न, नेशनल मीन्स कम मेरिट वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों यदि आपको ये प्रश्न समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।